फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड माय डीआईवाई चैनल। तो आज की वीडियो में जो आंवला कैंडी का पार्ट टू आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जो पार्ट वन में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि आपको आंवला कैंडीज बनानी कैसी है, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको पार्ट वन में बता दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा कि आपको जो फर्स्ट प्रोसेस क्या है आंवला कैंडीज बनाने का, कैसे उसे बनाना है, पूरा प्रोसेस मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में मैं उसका फाइनल रिजल्ट शेयर कर रही हूँ कि जब आपकी आंवला कैंडीज बिल्कुल रेडी हो जाती है उसके बाद आप उसे कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे स्टोर करके रखना है, कितने टाइम तक स्टोर करके आप उसे रख सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पार्ट टू में बताने वाली हूँ। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, जो आने वाले दिनों के अंदर जो वाओ साइंस के प्रोडक्ट है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। जो वाओ साइंस के जितने भी प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उन प्रोडक्ट को आप अपने घर पर कैसे बनाए उसके सीरीज में लेके आने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जो वाओ साइंस के जितने भी प्रोडक्ट है, फेस वॉश हुए, फेस सीरम हुए या फिर बॉडी लोशन है, जितने भी वाओ साइंस के प्रोडक्ट है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। और आप चाहते हैं कि मैं आपको लिए वो प्रोडक्ट बनाऊं, जो आप चाहते हैं वो प्रोडक्ट मैं आपके लिए बनाऊं, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि मैं कौन से और प्रोडक्ट को कवर करने की कोशिश करूं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीजों को अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी, बस आपको मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना होगा और आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये तो थी मेरी फर्स्ट बात। अब मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे आंवले के फाइनल कैंडीज का रिजल्ट आपके साथ शेयर मैं कर रही हूँ, उससे पहले ये वीडियो एक जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था उसका फटाफट से एक रीकैप है, कैसे मैंने सारी चीजों को प्रिपेयर किया है। और पार्ट वन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो वहां से तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। आंवला कैंडी से रिलेटेड कुछ लोगों के डाउट्स थे तो मैं उनको सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको आंवला साइज कितना रखना है, आपको कितना काटना है। तो ये क्वेश्चन मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि आंवला साइज कितना होना चाहिए, इसकी कितनी साइज की कैंडीज कट करनी है। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगी कि जितनी साइज आप कर सकते हैं, अगर आप छोटा साइज रखते हैं तो वो जल्दी सूखता है, थोड़ा सा साइज अगर बड़ा रखते हैं तो उसे सूखने में एक दो दिन ज्यादा लगते हैं। तो साइज आप कोई सा भी रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं कि छोटा रखना चाहे तो आप छोटा भी रख सकते हैं, बस ये कि छोटा रखने में क्या होता है कि वो जल्दी से सूख जाते हैं और हम फटाफट से उनका मजा ले सकते हैं। तो जो साइज आपको पसंद है वो रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हम इसे मीठा कैसे बना सकते हैं, अगर हमें खट्टा मीठा नहीं बनाना हम इसे मीठा कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका चाशनी होती है, आपको उसका चाशनी बनानी है, चीनी की आपको थोड़ी सी चाशनी बनानी है और उसके बाद इस चाशनी को इसके अंदर ऐड कर देना है। जहां पर हमने इसके मसाले ऐड किए हैं उस टाइम पे आपको सिर्फ चाशनी को ऐड कर देना है और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस सेम है वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आपको बाकी का प्रोसेस सेम रखना है। जहां पर मैंने मसालों को ऐड किया है उसकी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ चाशनी ऐड करनी है। चाशनी आप हल्की सी थोड़ी सी थिक रखे तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो चाशनी चीनी की भी ऐड कर सकते हैं या फिर गुड़ की भी ऐड कर सकते हैं। जनरली हमें गुड़ की चाशनी अच्छी नहीं लगती तो आप चीनी की चाशनी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे से थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि इसे कितने दिन तक धूप में रखना है, उसका आंसर यही है कि जितनी जल्दी आपका ये सूख जाए, आपको पता चल जाएगा जब मैं इसका रिजल्ट शेयर करूंगी इसका कि तब आपका ये सूखना स्टार्ट हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी जो कैंडीज है वो सूखना स्टार्ट हो गई है, तब आपकी जो कैंडीज का प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसे स्टोर कैसे करके रखना है, कैसे इसे स्टोर करना है, कैसे यूज करना है। स्टोर करने का भी प्रोसेस मैं अपनी वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ कैसे इसे स्टोर करना है। तो आइए सवालों का सिलसिला खत्म करते हैं, अब मैं आपके साथ अपना फाइनल रिजल्ट शेयर करती हूँ। ये है मेरा फाइनल रिजल्ट आंवले की कैंडी जब सूख गई थी, तो मैंने इसका साइज एकदम मीडियम रखा था। तो मीडियम रखने के बाद ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, एकदम ये काफी अच्छे से सॉफ्ट भी है, खाने में भी काफी टेस्टी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा नमकीन पसंद है तो इसके अंदर आप हल्का सा नमक और ऐड कर सकते हैं और स्वाद तो आप जो इसके अंदर लेना चाहती हैं वो इसके अंदर चीजों को डाल दीजिए, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और ये आपके पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छे से बढ़ाती है। तो आपको खाना कब जब आपको मन हो इसको खाने का आप इसे तब खा सकते हैं, खाली पेट खा सकते हैं, खाना खाने से पहले खा सकते हैं, खाना खाने के बाद खा सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो आप इसे खाइए
और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाइए। साथ ही साथ विटामिन सी का तो ये बहुत ही ज्यादा भरपूर स्रोत होता है, तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए। तो आप जैसे चाहे खा सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।